कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वाले लेक्चर में हमने ट्रेजेक्ट्री के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लिए थे, याद है? पैराबोला टाइप का देख लिया था, एलिप्स टाइप का देख लिया था। क्लियर है बेटा कि नहीं है? अब आप सुनो बेटा, कल जितने भी सवाल करे गए थे ना, उसमें आप देखोगे ना, दो ही कोई कोऑर्डिनेट होते थे, चाहे एक्स होता था और वाई होता था। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात बेटा। अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाए बेटा, तब तीनों कोऑर्डिनेट्स में कुछ एक कहानी है, उसको आप ध्यान रखोगे तो इजी हो जाएगा बेटा। 3D में हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर नहीं जाते हैं। क्लियर है? देखो एग्जाम्पल के थ्रू बेटा मैं सॉल्व करवाता हूँ। इधर देखो बेटा, पहले एग्जाम्पल छोड़ दो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया बेटा, एक ऑब्जेक्ट ने बोला उसको सर्कुलर मोशन कराओ, सर्कुलर मोशन बेटा ऐसे कर रहा हूँ। क्लियर है? आगे बात। अब बेटा क्या किया, सर्कुलर मोशन करा उसको, आपने पुश कर दिया आगे की तरफ, तो अब कैसे सर्कुलर मोशन करेगा? देखो इस तरीके से कुछ करेगा बेटा कि नहीं करेगा? आगे बात। अब ये पाथ आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बेटा? आपने पढ़ा था बेटा हेलिक्स नाम से मैग्नेटिक फील्ड में, 10th में थोड़ा बहुत याद हो तो। नहीं पढ़ा था तो अब सुन लो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स बोलते हैं। इधर सुनो, तो 3D में बेटा अगर देखो, देखो एक पर्टिकुलर केस है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। इसमें होता क्या बेटा, हेलिकल पाथ में अगर आप दो कोऑर्डिनेट को देखोगे, दो कोऑर्डिनेट ये बोलते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। किसके लिए बेटा? सर्कुलर मोशन के लिए। और एक कोऑर्डिनेट देखोगे बेटा तो वो बोलता है लीनियर मोशन। और इन दोनों का कंबाइंड क्या देता है? हेलिकल पाथ देता है। क्लियर है बेटा कि नहीं? अब सुनो, दो लूप के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पिच। जैसे ऐसे शुरू हुआ बेटा, यहां से ऐसे सर्कल बनाता हुआ बेटा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पिच। ये क्या होता है लिख लो, पिच डायग्राम बना जाओ और लिखो, पिच में लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लूप्स, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लूप्स। क्लियर बेटा? अब सुनो तीसरी बात बेटा, ये जो लीनियर मोशन वाला था, लीनियर मोशन वाला, इसमें बेटा दो चीजें आती हैं। इसमें आ सकता है बेटा वेलोसिटी आपका v, वेलोसिटी कांस्टेंट आ सकता है और चेंजिंग आ सकता है। बेटा कांस्टेंट आया, क्लियर है? तो बेटा पिच कांस्टेंट होगा, पिच फिक्स। और बेटा चेंज आया तो पिच चेंज। अब बेटा ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है और इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी गिवन है। क्लियर हुआ? पक्की बात बेटा, छाप लो सारी कहानी। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो जरा क्वेश्चन लिखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस सच एज x इजिकल टू 4 साइन 2t, y इजिकल टू 4 कॉस 2t एंड z इजिकल टू 4t। क्लियर हुआ बेटा? फाइंड द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। हमें पार्टिकल का बेटा पाथ निकालना है कैसा होगा, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन देखो बेटा, अच्छा ये ना होता, ये दोनों होता तो क्या करते आप, स्क्वायर करते और ऐड कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना बेटा? 4 स्क्वायर आएगा। क्लियर बेटा? तो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे, ये बोल रहे बेटा एक्स और वाई वाला प्लेन जो है, एक्स एक्सिस वाई वाला प्लेन बेटा, इसके हिसाब से ये करेगा सर्कल। और जेड को देखो बेटा, जेड क्या बोल रहा है, एक लीनियर मोशन दे रहा है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात। तो जेड के अक्रॉस वेलोसिटी चेक करते बेटा, तो हम वेलोसिटी वी जेड निकालेंगे, तो लिखेंगे डी जेड बाई डी टी, दैट इज कितना बेटा? 4। कांस्टेंट आया बेटा कि नहीं आया? आगे बात। तो ये हुआ बेटा
हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ विथ कॉन्स्टेंट पिच। ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? क्लियर है? छाप लो, सब कुछ छाप लिया, जल्दी छापो बेटा। आगे सुनो, मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है इसी सवाल बेटा। मैंने लिखा था जेड इज इक्वल टू 4t2। क्लियर हुआ बेटा? अब सुनना ध्यान से, ये तो ऐसे ही रहता ये वाला पोर्शन। बी जेड कितना आता बेटा? क्या बी जेड आता बेटा आपका 8t? अगला सवाल है, तुम व्हाइटनर लगा के मत चेप देना, रफ करके बेटा अच्छे से, वैसे भी लिखा हूं, अच्छा सॉरी रफ करके तुम मत लिखना, तुम्हें बेटा अगला सवाल करना ही है 4 8 t। क्लियर बेटा? अब सुनो बेटा, जो लीनियर मोशन है बी जेड क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज विथ टाइम है। क्लियर है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या होगा, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच होगा बेटा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात, देख लो ध्यान से, हेलिकल पाथ विथ इंक्रीजिंग पिच ये सवाल होगा। छाप लिया? चलो छाप लो, नहीं तो रोने लग जाओगे कि टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। चलो एक और करते हैं, 40 40। क्लियर बेटा? जेड की बेटा वैल्यू ये है, थोड़ा सा चेंज कर देते हम, जेड इजिकल टू 4। सुनो बेटा, ये कितना आता, 0 आता, तो जेड के अलॉन्ग भाग नहीं रहा, क्या आंसर होता बेटा, खाली और खाली बी जेड 0 आ गया बेटा, तो भागेगा नहीं। यहां देखो, यहां आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना बेटा, 4 स्क्वायर आएगा बेटा कि नहीं आएगा? और बी जेड कितना आया बेटा, 0। तो एक्स और वाई क्या बोल रहे बेटा, सर्कुलर मोशन, और जेड बोल रहा है कहीं नहीं चेंज हो रहा हो, तो क्या रह जाएगा, खाली खाली सर्कुलर मोशन। बेटा इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप की ही चीजें आती है, इसलिए दुखी नहीं होना है, छाप लेना है सारी बातें, जैसे बता रहा हूं सर्कुलर मोशन होगा। छाप लिया बेटा, जल्दी जल्दी कर लो, एक ही टाइप के सवाल करवाने मुझे, ये लिखा बेटा मैंने। क्लियर है? बोलो बेटा, इसमें देखो ये तो ऐसे रहेगा, ये कितना हो जाएगा बी जेड? देखो बेटा, ये आ जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा बेटा, माइनस होना गया आएगा, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। चलो और आसान कराता हूं, फिर बात करेंगे इस पे। 4 - t कितना बेटा, 4 - t डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 - 1 कांस्टेंट, 4 - t2। क्लियर है? अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो, सर्कुलर मोशन रहेगा एक्स वाई के अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग बेटा, डी जेड बाई डी टी इजकल टू 0। एक काम करो, और आसान नहीं करना बेटा, 4t करो, कितना जाएगा ये, 4 - 2t। देखो बेटा ध्यान से देखो, 0 से लेके 0 टू 2 सेकेंड वी जेड डिक्रीज होगा, और टी बेटा ग्रेटर देन 2 सेकेंड से आगे बी जेड फिर से क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा बट निगेटिव हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, होगा। अरे पुट करो ना, 0 पुट करोगे 4, 1 पुट करोगे 2,
टू पुट करोगे जीरो, फिर बेटा कितना पुट करो, थ्री पुट करो माइनस का दो, फोर पुट करो माइनस का फोर, क्लियर बेटा। तो क्या होगा देखो, जीरो से लेकर टू सेकेंड तक वेलोसिटी डिक्रीज होगा, और टू सेकेंड से आगे क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बेटा, रिवर्स हो चुका होगा। तो इसमें बनेगा क्या बेटा, इधर देखो, मान लेते पहले ये जाएगा डिक्रीजिंग पिच के साथ, फिर एक मोमेंटली क्या होगा बेटा, ये डायरेक्शन रिवर्स करेगा और फिर क्या होगा बेटा, पिच इंक्रीज कर जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, पहले डिक्रीजिंग पिच के साथ प्लस जेड के डायरेक्शन में, फिर क्या करेगा बेटा, रिवर्स आ जाएगा और इंक्रीजिंग पिच के साथ आ जाएगा। छाप लो सारा कुछ, फिर लिखाता हूं लैंग्वेज। छाप लिया बेटा, लिखो सॉल्यूशन देख के साफ, सॉल्यूशन देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन देख के साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी जेड के डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी घटेगी, बी जेड के डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी घटेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, लिखो आगे, इसका मतलब हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा, और स्टार्टिंग में पिच डिक्रीज करेगा, स्टार्टिंग में पिच डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ बेटा, उसके बाद अपने डायरेक्शन को बेटा, डायरेक्शन कौन सा, लीनियर मोशन वाला लिखो लो, इसके बाद अपने लीनियर मोशन वाले डायरेक्शन को, सर्कुलर वाले में चेंज नहीं होगा। जैसे ये ऐसे घूम रहा था ना बेटा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। क्लियर हुआ, उसके बाद लीनियर मोशन वाले डायरेक्शन का रिवर्स करेगा और इंक्रीजिंग पिच के साथ जाएगा, और इंक्रीजिंग पिच के साथ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, आगे बात। तो बेटा ये हो गई हेलिक्स में, 3D में बेटा बहुत लिमिटेड चीजें हमें करनी है। आगे देखो, अगला सुनो बेटा, 3D में आपको एक्स कोऑर्डिनेट गिवन हो, वाई कोऑर्डिनेट गिवन हो और जेड कोऑर्डिनेट गिवन हो। आगे बात बेटा, क्लियर है, इधर देखो, आप निकालो बेटा dx/dt, ठीक है। आगे बात बेटा, dy/dt और dz/dt, ये आप निकाल लो। बात समझ में आई बेटा, अब सुनो कहानी, सुने क्या हो सकता है। पहला, dx/dt, dy/dt एंड dz/dt बेटा, ये तीन चीजें आई। ये क्या है, क्या ये vx है, ये क्या बेटा, क्या ये vy है, ये क्या है भैया, vz है कि नहीं बेटा। अगर ये तीनों कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए भैया, तो ना x की कंपोनेंट चेंज होगी, ना y की कंपोनेंट चेंज होगी, ना z की चेंज होगी, तो क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, ये करेगा भैया सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। अच्छा, ये कांस्टेंट कब आएगा, इसका मतलब x y एंड z, या तो क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो तभी ये 0 0 0 आ जाएगा, और लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम हो बेटा। जैसे x, एग्जांपल देखो, x इक्वल टू बेटा 4t हो, डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा 4, क्लियर है। y इक्वल टू बेटा कितना हो, 2t2, कितना आएगा बेटा y की वैल्यू, देखो ध्यान से 4t, अब ये कांस्टेंट नहीं बचा, क्लियर है बेटा कि नहीं है। दूसरी बात सुनो बेटा, दूसरी बात, एनी टू कांस्टेंट हो dy, इसमें से बेटा, इसमें से एनी टू क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो एंड
वन लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम बचे। क्लियर बेटा, या तो ये हो बेटा। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई भी दो कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो लीनियर फंक्शन रहा होगा बेटा। ये डिफरेंशिएशन की बात चल रही है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी एक्स बी वाई और बी जेड। क्लियर बेटा, कांस्टेंट किसकी बात, बी एक्स वी वाई एंड वी जेड में कोई दो क्या हो, कांस्टेंट हो और वन कोई भी क्या हो बेटा, टाइम का लीनियर हो, तो वो क्या करेगा बेटा, तो करता बेटा वो पैराबोला। क्या करता वो पैराबोला, अभी एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो क्या करेगा बेटा, पैराबोला। अच्छा, इसी बात को बोलने का तरीका और बेटा, एक्स वाई एंड जेड में एनी टू लीनियर हो, एनी टू क्या हो बेटा, लीनियर हो एंड वन टी स्क्वायर का फंक्शन हो, तो भी क्या होगा बेटा, पैराबोला होगा। क्लियर है कि नहीं है, तो भी क्या होगा बेटा, पैराबोला होगा। एग्जांपल देखो, x इजकल टू 4t, y इजकल टू 3t। क्लियर है बेटा, एंड z इजकल टू 6t स्क्वायर। देखो टाइम का लीनियर फंक्शन, टाइम का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, आंख बंद करके पैराबोला। पहले वाले चेक करो बेटा, डी एक्स वाई डी टी कितना 4, आगे बात बेटा डी वाई वाई डी टी कितना बेटा 3, और डी जेड वाई डी टी कितना बेटा 12t। जस्टिफाई कर गया बेटा कि नहीं, पक्की बात क्या होगा, ये पैराबोला होगा। क्लियर है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एक अभी इसको मैं 2D में ज़्यादा क्लियर कर दूंगा, जब आपको मैं पैराबोलिक मोशन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तब प्रोजेक्टाइल मोशन, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अभी इतना सारा कुछ छाप जाओ, चलो जल्दी करो, कम ऑन। क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, ये तो तुम्हें बता चुका हूं ना बेटा, 3D मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ पॉसिबल नहीं है, वो वही कहानी है। देखो अगर थोड़ा समझना चाहो बेटा, सेकेंड वाला पॉइंट, एक्स वाई जेड में बेटा दो की वेलोसिटी कांस्टेंट, उनके अक्रॉस एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और बेटा जो तीसरा बचेगा वो लीनियर था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 2D मोशन की पॉसिबिलिटी हुई होती है, 3D मोशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये बात पहले बताई जा चुकी है आपको, दुखी होने वाली कोई बात है नहीं। आगे देखो बेटा, अब सुनो बेटा, अब एक क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे पूछते हैं उसको सुनो। ये क्या करेंगे बेटा, हमें वेलोसिटीज दे देंगे, बी एक्स दे दिया, बी वाई दे दिया। क्लियर है बेटा, लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन। क्लियर हुआ बेटा, वेलोसिटी का कंपोनेंट हमें गिवन हो तब की कहानी है। कैसे होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटा, देखो इधर, हमें कुछ नहीं करना बेटा, इस वी एक्स को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स वाई डी टी, तो डी एक्स इजकल टू कितना बेटा वी एक्स डी टी। क्या यहां से बेटा एक्स फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा कि नहीं, आगे बात ऐसे बेटा वाई इजकल टू कितना बी वाई डी टी, ये क्या दे देगा बेटा वाई फंक्शन ऑफ टाइम देगा बेटा कि नहीं देगा। क्लियर है, आगे बात बोलो बोलो बोलो, यहां से बेटा हम इक्वेशन फ्रेम कर देंगे कि नहीं, पक्की बात। अरे एक्स वाई आ गया तो कहानी खत्म है, ज्यादा टफ होने वाली बात नहीं है कुछ। लिखो एग्जांपल, अ पार्टिकल मूव सच एज बी एक्स इजिकल टू 4, क्लियर बेटा, एंड बी वाई इजिकल टू 2t, बी वाई इजिकल टू 2t,
फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इफ इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट 1.1, इनिशियली पार्टिकल इज एट 1.1, 1.1 से बेटा शुरुआत कर रहा है, दुखी होने वाली बात नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल टू 4 dt, बोलो बेटा क्लियर है। इंडिकेशन t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू कितने पर बेटा 0 पर, कहाँ है पार्टिकल 1.2 कर लो 1 पर है, और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल बेटा कहाँ मान लेते हैं x, तो ये आ गया x-1 इज इक्वल टू कितना बेटा 4t, आएगा कि नहीं आएगा, इसका नाम रखा हमने 1। dy, dy by dt लिखोगे बेटा तो dy इज इक्वल टू कितना 2t dt, इधर देखो जब t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल कहाँ बेटा 2 पर, तो t इज इक्वल टू t हुआ तो पार्टिकल कहाँ पहुंचा y पर बेटा, क्या बना, क्या बना y माइनस 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर, क्लियर है बेटा कि नहीं है। आगे बात, ये इक्वेशन 2 है, इधर देखो फ्रॉम 1 से t इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4 पुट कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बेटा x माइनस 1/4 का स्क्वायर बेटा, किसका इक्वेशन है देखो ध्यान से, पैराबोला है कि नहीं है, अरे इसको 2 को इधर ले जाओगे ओपन कर दोगे बेटा, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बन जाएगा कि नहीं, कि हर बात पे रोगे ही, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, पैराबोला है, पैराबोला नहीं है, क्लियर है। कुछ तो ऐसे है कि पैराबोला ही लिख देंगे पैराबोला की जगह पे, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। आगे बात, ऐसे बहुत सारे तरीके से बेटा हम सॉल्व कर सकते, इधर देखो, देखो इधर बेटा हमें दिया वी एक्स इज इक्वल टू 4 sin -4 sin ओमेगा टी या 2t, एंड वी वाई इज इक्वल टू 4 cos 2t, क्लियर लिखा बेटा, लिखो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 0.0, फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा 0.0 से, हमें ट्रेजेक्ट्री बताना था, तो देखो हम फिर से वही सिंपल सी कहानी, यहाँ से बेटा बी एक्स की जगह पर डी एक्स बाई डी टी माइनस 4 sin 2t dt, जब भैया टाइम 0 पोजीशन 0, जब टाइम टी पोजीशन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t/2 आएगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। इस माइनस को उठा के इधर ले आओ प्लस, लिमिट लग जाएगा 0 से टी तक का, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, पक्की बात। देखो इधर सॉल्व कर दो, एक्स इजिकल टू 2, लिमिट लगाओ बेटा cos 2t माइनस cos 0 बेटा, cos 0 नहीं, अभी ब्लंडर होता, cos 0 के बेटा वैल्यू 1, तो यह आया x/2+1 इजिकल टू cos 2t, यहाँ आ जाओ बेटा, इससे dy इजिकल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt 0 से t, लिमिट बेटा जब t 0 तब 0, जब t तो dy y, समझ में आ रहा है ना, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, सारी बातें बताई जा चुकी है, इसलिए थोड़ा सा रैप करके पढ़ा रहा हूँ मैं, रैप जानते हो ना, वही बेटा हनी सिंह बन जाओ आज, ये आ गया y, मैं तो रजनीकांत हूँ ही, तुम्हें बनने की ज़रूरत है बेटा, ये आ जाएगा 4 sin 2t/2 लिमिट 0 to t, तो ये आ गया बेटा y इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन 2t, और साइन 1 0 बेटा होता है 0, मेरे हिसाब से कोई दुख भरी बात अब नहीं बच रही है, क्लियर बेटा। इसको इधर ले आओ, y बाई 2 कर दो, स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, आगे बात बेटा क्लियर आई, कर लोगे ना, कैसे ही चलने दो, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। तो भैया ट्रेजेक्ट्री ख़त्म हो गया,
कल बेटा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होगा, मतलब 2D मोशन शुरू होगा बेसिकली। तो आज बस मजे करो,